हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अगर आप उनमें अपनी SIP चलाते हैं, जैसे कि 10,000 या फिर 20,000 या फिर 25,000, अगर 25,000 से भी अपनी SIP पर मंथ यहाँ पर पे करते हैं, क्योंकि 25,000 एक बड़ी अमाउंट हो जाती है, और इसी के साथ में अगर आप 5 साल भी पे करते हैं तो लमसम आपका जो पैसा होगा 15 लाख रुपए यहाँ पर जमा हो जाएगा। इसी के साथ में आप यहाँ पर 5 साल में ही आप यहाँ पर लमसम 30 लाख रुपए निकाल सकते हैं SIP चलाकर। और इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर 1-2 हजार रुपए से भी मंथली की SIP चलाते हैं, तब आप यहाँ पर 5 साल में अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है, किस तरीके से हमें SIP स्टार्ट करना है, और एक्चुअली में जो रिटर्न है वो किस तरीके से यहाँ पर दे रहा है, और जो कि मैंने खुद अपना यहाँ पर पैसा भी इन्वेस्ट कर रखा है, और जो कि उस म्यूचुअल फंड के सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न है। तो चलिए जान लेते हैं। ग्रो एप्लीकेशन का यानी कि यहाँ पर डैशबोर्ड है। इसी के साथ में यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर इस समय आप म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर SIP आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आने वाले समय में आपको इतने ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ तो वो जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर अभी जो प्रॉफिट है वो देखने को मिला है। मुझे 2-3 ही दिन इसमें पैसे निवेश हुए हैं, और जो कि मेरी अमाउंट है, जो कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, ये मेरी अमाउंट है, और यहाँ पर जो टोटल मुझे रिटर्न मिले हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कोट का इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ में। तो हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पर खुद तो पैसा पहली बात तो इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। इसी के साथ में अभी भी आप देख पा रहे हैं जो इसका ग्राफ है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं बने यार यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, बने यार, ठीक है। तो कहने का मतलब है इतना ग्राफ गिरने के बावजूद भी ये दिखा रहा था, यहाँ पर देख पा रहा है 47.54, यानी कि आपको यहाँ पर 47.5% का इसने रिटर्न यहाँ पर दिया है, जो इसके रिटर्न है वो काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। इसी के साथ में अगर इसमें हम SIP चलाते हैं, मैं यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने SIP वाला जो कि यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो कि गाड़ी ले लेते हैं और कुछ गाड़ियों को कंपनी में लगा देते हैं, ठीक है, तो वहां से उन्हें मंथली इनकम मिलती है, और जो कि सैलरी पर्सन हैं तो वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी इस मंथ में यहाँ पर सैलरी आती है और इतनी सैलरी आती है, उसमें से हम मंथली यहाँ पर सेविंग करके अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम छोटी छोटी अमाउंट जमा कर और एक हम बड़ी अमाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो जो कि मैंने आपको बताया था कि 15 लाख के अगर आप 30 लाख करना चाहते हैं तब, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉरी 25, या फिर हाँ 25 कर देता हूँ पहले तो। देख सकते हैं 25,000 पर मंथ जो कि देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप पर मंथ यहाँ पर जमा करते हैं तो आपका यहाँ पर रुपया हो जाता है 1 साल में 3 लाख, ठीक है, और इसी के साथ में अगर आप 5 साल जमा करते हैं तो रुपया हो जाता है आपका 15 लाख, ठीक है। 15 लाख रुपया जमा हो जाएगा अगर आप 25,000 रुपया पर मंथ यहाँ पर पे करते हैं तब। इसी के साथ में जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, साथ में आप यहाँ पर देखेंगे 29,64,000 रुपए जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको कम भी मिल सकते हैं और अधिक भी मिल सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ये कोई चीज निर्भर नहीं करती है कि आखिर आपको इतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब ये कैलकुलेटर वो बता रहा है, अगर आपने आज की ही डेट में करीब 5 साल पहले अगर आपने इसमें पैसा निवेश किए हुए होते, ठीक है, आज की डेट में, तो आज जो आपके पैसों की वैल्यू होती वो इतनी वैल्यू होती, ठीक है, जो कि देख पा रहा है 29,64,000, ठीक है, 512 रुपए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं, और इसी के साथ में आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि पहले इसने कितना रिटर्न दिया है कितना नहीं दिया है। ये तो हो गई एक बड़ी अमाउंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमने 5,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर अब तक यहाँ पर 5 साल से पे करते हुए हो जाते तो अब तक वो हमारी अमाउंट इसमें कितनी हो जाती, क्योंकि 5,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करके और आप थोड़ा सा यहाँ पर सेविंग करना चाहेंगे तो 5,000 रुपए आप मंथली के कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5,000 रुपए, ठीक है, जैसे कि 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम 5 यानी कि साल तक चलाते, ठीक है, तो आज की डेट में वो पैसे जमा हो जाते हमारे 3 लाख रुपए, और इसी के साथ में जो टोटल हमारे पैसों की वैल्यू होती वो होती यहाँ पर 5,92,000, और जो कि 902 रुपए। तो कहने का मतलब है आपके समझो यहाँ पर डबल हो जाते पैसे, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर इसने आगे भी यहाँ पर रिटर्न दिया, तो अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर पे करते हैं, ठीक है, तो आने वाले 5 साल बाद आपके ये पैसे डबल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आपको मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर ये तो थी कि 5 सालों की बात, इसी के साथ में अगर आप इसमें एक टाइम यानी कि वन टाइम में अपना पैसा इसमें निवेश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लमसम अमाउंट, ठीक है। जैसे कि मैं 1 साल में यहाँ पर कर देता हूँ जैसे कि 20,000, और इसी के साथ में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 2023 में जमा किया हुआ होता आज की डेट में, तो आज उन जो पैसों की वैल्यू होती वो होती यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 साल में यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो आज की डेट में उन पैसों की वैल्यू होती 1,47,540 रुपए, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसने लगभग 47.5% का इसने यहाँ पर रिटर्न दिया है, जो कि 47.5% का बहुत ज्यादा रिटर्न हो जाता है। और मैं आपको वीडियो उन्हीं म्यूचुअल फंड के बारे में बनाकर देता हूँ जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न देते हूँ और सबसे ज्यादा अच्छे हूँ, जो कि मैंने खुद से उनमें अपना पैसा या फिर समझो पूरी जानकारी के साथ, ठीक है। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं और आप एक अधिक प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में पैसे को अपने कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं, इन्होंने 1 साल में यहाँ पर कितना रिटर्न दिया है, जैसे कि 47 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर 3 साल में इन्होंने 22 दिया है, 5 साल में इन्होंने 24 दिया है, और आल यानी कि आप इसमें रहने दीजिएगा और आपको 18 का कम में कम आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 18 में, 18 से आपको कम नहीं मिलेगा। तो पहली साल में इन्होंने दिया है 47 का, और तीसरी साल में इन्होंने दिया है 22 का, पांचवी साल में दिया है इन्होंने 24 का, ठीक है। इसी के साथ में एक्सपेंसिव जो रेट होता है, जो कि मैंने आपको इसमें बताई दिया है कि एक्सपेंसिव रेट क्या होता है। एक्सपेंसिव रेट वो होता है जिस म्यूचुअल फंड में हम पैसे को निवेश करते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड में हम पैसे को निवेश करते हैं तो उसकी एक सिक्योरिटी फीस जाती है, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो फंड मैनेजर होगा वो आपके पैसे को मैनेज करेगा, तो उसकी ये कमीशन होती है 0.55%, ठीक है। ये बहुत ही मामूली सी है क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान है, ठीक है। अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते तो इसका होता कि 1.55, 56 ऐसे होता, ठीक है। एग्जिट लोड, एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड वो होता है कि उन्होंने कह दिया कि अगर आप 90 दिन से पहले पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आ जाती है टैक्स को लेकर। टैक्स को लेकर पहले था कि दोस्तों कि 2000 अगस्त से पहले, ठीक है, 2024 के अगस्त से पहले कि था कि आपको 15% यानी कि शॉर्ट टर्म टैक्स पे करना पड़ता था, पर अगस्त के बाद 2024 में वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 20%। अब आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर यानी कि 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तब। इसी के साथ में अगर आप 1 साल या फिर 1 साल के बाद पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स पे करना होगा 12.5, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर 1,25,000 की आपको यहाँ पर छूट भी मिल जाएगी, जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर, ठीक है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है मैंने आपको इस पर वीडियो बनाकर दे दी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको कैलकुलेशन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी किस तरीके से हमारा टैक्स कटता है, ठीक है।
इसी के साथ में इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन कर रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका नेम है, यहाँ पर इनकी डिटेल्स है और ये कब से इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, 2019 से। तो इन्हें काफी ज्यादा इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हुए भी समय हो गया है, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर इनकी डिटेल जान सकते हैं, जैसे कि फंड हाउस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप यहां से इनकी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप यहां पर जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में इस म्यूचुअल फंड में हम कितने से SIP शुरू कर सकते हैं और कितने से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कम में कम। तो आप इसमें यानी कि कम में कम 100 रुपए एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप लमसम अमाउंट ऐड करना चाहते हैं तब। इसी के साथ में आप इसमें SIP 100 रुपए से अपनी SIP का खाता खोल सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है, अगर आप 100-100 रुपए भी करके अपनी SIP चलाना चाहते हैं तो आप इसमें SIP चला सकते हैं। कहने का मतलब यह है कोटका वालों ने ये भी बहुत ही अच्छा सुविधा दे दी है कि आप कम में कम पैसे इसमें निवेश करके और आप एक बड़ी अमाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसमें SIP चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर आप यहां पर अपने पैसे डबल कितने समय में कर सकते हैं और आप कितना यहां पर रिटर्न ले सकते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं या फिर अपनी SIP शुरू करते हैं तब। इसी के साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये देख पा रहा है, ठीक है, अभी ये ग्राफ है वो गिरा हुआ है, ठीक है, और इस समय जो ग्राफ गिरता है वो धीरे धीरे गिरता है, ठीक है, आपको बता दूं मैं, और इसी के साथ में जब उठता है तो ग्राफ काफी तेजी से उठता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ग्राफ है वो किस तरीके से यहाँ तक गिरा है, ठीक है, और कभी भी उठ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में कोई भी नहीं जानता है कि कब यहाँ पर जो मार्केट है वो क्रॉस हो जाए और कब यानी कि एकदम उठ जाए, ठीक है। तो ये तो एक यानी कि वो रहेगी, यानी कि फिलहाल हम स्टॉक में यानी कि पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो हमारे पैसे को मैनेज करेगा, ठीक है, क्योंकि हम खुद से स्टॉक में पैसा लगाएंगे, किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदेंगे तो हमें उतनी जानकारी नहीं होती है और इस वजह से हम अपने पैसे को डुबा बैठते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करें। अब म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा वो आपके पैसों को यहाँ पर मैनेज करेगा और ऐसे में आपके यहाँ पर नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो क्यों कम हो जाते हैं, वो इस वजह से कम हो जाते हैं अगर म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड की जो NAV है वो यहाँ पर डाउन होगी तो ऐसे में यह है कि जो फंड मैनेजर है उसे अपनी नौकरी खोने का डर होगा और इसी के साथ में जिस कंपनी का वो म्यूचुअल फंड है तो उस कंपनी का नाम बदनाम होने का उसे डर होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है वो अपनी कंपनी और इसी के साथ में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो अपनी नौकरी बचाने के लेकर यहाँ पर ये लोग खुद ही मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो यहाँ पर जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो आप इसमें अपने पैसे को निवेश यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर अधिक प्रॉफिट मिल जाएगा इस तरीके से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।